हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे काव्य मीमांसना, जो हमारी बुक है इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर। इसके कुछ टॉपिक्स हैं, तो उसमें से एक काकू है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। द नेम ऑफ दिस चैनल इज़ यूनिकनेस एंड यू कैन जॉइन आल्सो मी ऑन टेलीग्राम। लेट्स स्टडी काकू। इफ़ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस टॉपिक देन यू विल गेट ऑन द टेलीग्राम चैनल काकू। आचार्य रुद्रता स्टेट दैट काकू इज एन अलंकारा कॉल्ड वक्रोक्ति। आचार्य रुद्रता, ये हमारे आचार्य थे, इनका नाम याद रखना पड़ेगा, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं, आचार्य रुद्रता। वन मोर अंडरलाइन स्टेट दैट, ये कहते हैं कि काकू इज एन अलंकारा। काकू क्या है? एक अलंकारा है, जिसको हम विक्रोक्ति कहते हैं, वक्रोक्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। या वारिया, जिसको हम राज्य शेखरा का दूसरा नेम है, स्टेट डेट, ये कहते हैं कि काकू इज द क्वालिटी ऑफ रेसिटेशन ऑन रीडिंग। बेसिकली हमने काकू के अंदर दो डेफिनेशन पढ़ी है, एक तो आचार्य रुद्राता की, जो कहते हैं कि काकू क्या एक अलंकारा है कॉल्ड वक्रोक्ति। आचार्य रुद्राता कहते हैं कि काकू क्या है, एक अलंकारा है, जिसको हम क्या कहते हैं, वक्रोक्ति। एक राज्य शेखरा है, जिसको हम या वारिया कहते हैं, वो कहते हैं कि काकू इज़ द क्वालिटी ऑफ रेसिटेशन ऑन रीडिंग। कि काकू क्या है, एक क्या हम किसी पोइम को कैसे रिसाइट करते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्वालिटी कि उसकी कैसी क्वालिटी है रेसिटेशन की ऑन रीडिंग के टाइम। ठीक है, काकू इज़ ऑफ टू टाइप्स, काकू के दो टाइप हैं। फर्स्ट है सकामक्षा, एक है निरकामक्षा। सकामक्षा, स्पेलिंग देखना, सा एस ए का के ए मक्षा म क श आ मक्षा सकामक्षा। काकू इज ऑफ टू टाइप्स, सकामक्षा एंड निराकामक्षा। फर्स्ट है सकामक्षा, पढ़ने में थोड़े अजीब लग रहे हैं, बट करने तो पड़ेंगे, नो हैव एनी चॉइस। सकामक्षा, दिस डैट यू डैट विच रेज एन एक्सपेक्टेंसी अबाउट अनदर सेंटेंस इज सकामक्षा। ये कह रहे हैं जो किसी दूसरे सेंटेंस के बारे में एक एक्सपेक्टेंसी, यानी कि वो होता है ना अनुमान, रेज करे, उसको हम कहते हैं सकामक्षा। सामकक्षा, दूसरा है काकू का टाइप निराकामक्षा, दैट विच एंड्स वंस द आंसर इज प्रोवाइडेड इज निराकामक्षा। थोड़ा और क्लियरली पढ़ते हैं, सेंटेंस विच बिकम सामक्षा विद ए पर्टिकुलर काकू वेयर एज विद ए डिफरेंट काकू इट कैन बिकम निराकामक्षा। ए सेंटेंस कैन बिकम, कोई भी सेंटेंस सामक्षा तब बन जाता है जब वो किसी पर्टिकुलर काकू को, यानी कि उसकी मतलब कि रेसिटेशन में, मतलब कि जब हम पोइट्री को रीड करते हैं, उसकी जो क्वालिटी है रेसिटेशन की, वो हो पर्टिकुलर काकू हो, कोई स्पेशल पैटर्न निकल के आए, वेयर एज विद ए डिफरेंट काकू, और उससे कोई और काकू बने, मतलब कि दूसरी और सेंस बने, तो उसको हम क्या कहते थे, निराकामक्षा। जब मतलब कि वो एक्सपेक्टेंसी हो तब तो कहेंगे सकामक्षा, जब उस पर्टिकुलर काकू से किसी अनदर डिफरेंट काकू की फॉर्मेशन हो तो उसको हम कहते हैं निराकामक्षा। सकामक्षा काकू इज ऑफ थ्री फोल्ड, यानी कि तीन टाइप। सकामक्षा काकू की तीन टाइप हैं। फर्स्ट है अक्षेपा, प्राशना, वितराका, गर्भा। ये एज इट इज़ है, आपको भी ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे। सकामक्षा काकू इज ऑफ थ्री फॉल्ड, फर्स्ट है अक्षेपा गर्भा, प्राशना गर्भा, वितारका गर्भा, फिर है हमारे निरामक्षा काकू इज ऑफ थ्री टाइप्स। इसके भी तीन टाइप हैं,
विधारूपा, विधिरूपा, उत्तरारूपा, निर्णय रूपा, विधिरूपा, उत्तरारूपा, निर्णय रूपा। आगे पढ़ते हैं। द स्पीच कॉम्पोजिशन ऑफ वर्ड्स एंड सेंटेंस आर अडोप्टेड बाय पीपल लाइक ग्रामर्स एंड मीमा कक्षास इज स्ट्रेट फॉरवर्ड। द स्पीच के लिए जो पीपल यूज़ करते हैं ग्रामर वगैरह को, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द यूज़ ऑफ द पार्ट ऑफ बॉडी फॉर इंटोनेशन, जब हम अपनी बॉडी के पार्ट्स को यूज़ करते हैं, जैसे कि अभी मैं बोलने के लिए अपने गेस्चर्स का यूज़ कर रही हूँ, अपना पेन, अपना हाथ हिला रही हूँ, तो ये क्या होता है, बॉडी पार्ट्स का यूज़ करना, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटोनेशन के लिए, लय के लिए, कि जैसे कहाँ पे अप डाउन करनी है वॉइस, कहाँ पे डाउन करनी है। बट स्पीच इज एज यूज्ड बाय पोइट एंड ड्रामेटिक इज क्वाइट डिफरेंट। द यूज़ ऑफ काकू इज नॉट प्रीवेलेंट, जो काकू का यूज़ है वो प्रीवेलेंट नहीं है इन लोका, इन दिस लोका, इस संसार में। ordinary speech in this world only, it also has a prominent place in the Vedas, but of poetry it is a very soul, कि जो काकू है वो क्या है, soul of poetry है। काकू which appropriately used reveal unmistakably a meaning different from express and without any cause for doubt or कन्फ्यूज़न। ये कह रहे हैं काकू वैन अप्रोप्रिएटली यूज रिवील्ड अनमिस्टेकली ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम एक्सप्रेस और विदाउट एनी कॉज और डाउट और कन्फ्यूजन। इट ऑल्सो प्रेजेंट वन स्किल इन द प्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस मोड ऑफ सह हृदय, कि क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं किसी की स्किल्स को प्रेजेंट करने में डिफरेंट मूड से टू से हृदय, आइडियल रीडर, कि जैसे जो रीडर जो सह हृदय है, मतलब कि जैसे पोइट ने लिखा है, उसी मूड को अंडरस्टैंड करने के लिए डिफरेंट स्किल से उसमें ये हेल्प करती है। इन द पोइट कॉम्पोजिशन द पोइट शुड यूज काकू, मतलब कि इंग्लिश के अंदर ये तो नहीं होता ना कि हम बिल्कुल ही वर्ड टू वर्ड टिटो पढ़ाएं या उसको समझ पाएँ, बट हम सेंस बनाने की कोशिश करते हैं ताकि हम उसको ईजिली लर्न कर पाए। इन ए पोइट्री कॉम्पोजिशन द पोइट शुड यूज़ काकू इन सच ए वे, कि पोइट्री कॉम्पोजिशन में जो पोइट है वो यूज़ करते हैं काकू को इस तरह, द रीडर शुड रिसाइट इन ए मैनर विच क्लियरली शो ऑफ द ब्रिलियंट ऑफ कॉम्पोजिशन by calling kaku intonation as a very life soul of poetry। Rajshekhara has shown the importance of modulation of voice in poetry and its effect on meaning। Poets who are good composer may create poetic composition। जो कुछ poets है जो good है composition में, वो क्या करते हैं, create करते हैं poetic composition। But a good reciter is one Who has attained Saraswati। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पोइट जो क्या है, गुड है, गुड कॉम्पोजिशन में वो क्या क्रिएट करते हैं, पोइटिक कॉम्पोजिशन को क्रिएट करते हैं। बट जो गुड रिसाइटर है वो क्या होता है, जिसके अंदर सरस्वती का वास होता है। सरस्वती कौन होती है, माता होती है विद्या की, वाणी की। और वन हु हैज़ एक्वायर स्किल एंड प्रोफिशेंसी Not less that the goddess of learning, कि वो इतनी learning and acquire कर लेता है, वो कम नहीं होती जो हमारी विद्या की देवी है सरस्वती से। तो इसी के साथ आप सब भी सरस्वती माता से प्रेयर करें कि हम भी बहुत सारा ज्ञान अटेन कर पाएँ और अपने एग्ज़ाम में पास हो पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू नीड द notes of this topic, you can get the link of my telegram channel in the description box। Do like, share and subscribe my channel। Thank you।